लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा के दिग्गज नेता और स्टार प्रचारक विभिन्न राज्यों में चुनावी प्रचार प्रसार में जान झोंक रहे हैं, लेकिन भाजपा के एक नेता का बयान गले की फांस बन गया है। गुजरात से बीजेपी प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला ने राजपूत समाज की महिलाओं को लेकर गलत बयानबाजी की, जिसका असर पहले चरण के वोटिंग में देखने को मिला। राजपूत का विरोध गुजरात से लेकर राजस्थान तक पहुँच गया है। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले राजपूत समाज ने भाजपा से किनारा करने का अभियान और भी ज़्यादा तेज कर दिया है। राजपूत समाज के लोग बीजेपी को वोट नहीं देने की अपील कर रहे हैं। श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना 22 अप्रैल को सवाई माधोपुर पहुंचे। यहां उन्होंने रणथंभौर रोड स्थित एक होटल में बैठक की और समाज से बीजेपी को वोट नहीं देने की अपील की। आज सवाई माधोपुर में राजपूत समाज का युवा ये शपथ लेता है पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा और चित्तौड़गढ़ में हुई घटना के खिलाफ हम लोग अब की बार भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। और अगर कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का फिर भी समर्थक है तो वो नोटों में दे। भारतीय जनता पार्टी को हम लोग वोट अब की बार इस चुनाव में हम लोग अब की बार कोई वोट कोई समर्थन किसी तरह का कोई भी सहयोग नहीं करेंगे। मां भगवती की कसम खाते जय हिंद जय भारत।